जो स्वागत करते हैं आप लोग। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो पिछले एपिसोड में हुआ ये था, मैं फ्रैंकलिन अंडर वाटर माफिया ट्रेवर ने रेस लगाई थी, तो फिलहाल के उस रेस में मैं जीत चुका था। तो फिलहाल के जो अंडर वाटर माफिया की बाइक थी ना, वो हमारी हो चुकी थी। तो फिलहाल के वो बाइक हमने ले ली, उसे के साथ मेरे पास यहाँ पर कॉल आया था एल रूबियो का। एल रूबियो ने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी काम था इसलिए बुलाया था, हमारी पहले दुश्मनी थी लेकिन फिलहाल की अब वो दोस्ती हो चुकी है। तो फिलहाल इसने मुझे कहा कि फिलहाल के तुम जाओ और मार्टिन मद्रासों को लेके आओ, उसके बदले ये फिलहाल के लिए हमें 30 करोड़ रुपये देगा। मतलब सिर्फ मार्टिन मद्रासों को नहीं, तीन बंदों को लेके आना, मतलब पर बंदे के लिए ये 10 करोड़ रुपये देगा। तो फिलहाल के मैंने कह दिया डील डन हो रहा है, जो हमारी दुश्मनी थी ना वो खत्म हो चुकी है। उसी के साथ ही फिलहाल के लिए अब हम मार्टिन मद्रासों कल पिछले एपिसोड में लेकर आ चुके थे। तो फिलहाल इसे मार्टिन मद्रासों का काफ़ी ज़्यादा बुरे वाला टॉर्चर किया और इसने पीछे वाला जो स्टोर रूम है उसमें इसे फेंक दिया। तो फिलहाल ये कह रहा है जैसे उसे होश आएगा ना, उसके बाद ये खुद ब खुद जो भी इससे काम होगा वो करवा लेगा। तो फिलहाल को काम इसको कुछ ज़्यादा है नहीं, फिलहाल कुछ जो प्रॉपर्टी है सारी हथियाना चाहता है, तो फिलहाल का यही काम है। तो फिलहाल हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो कुछ करना मार्टिन मद्रासों कर लेगा, हमारे कोई भी लेना देना नहीं है, हमें पैसा चाहिए हमें पैसा मिल जाएगा। उसी के साथ ही अब बारी है बिग माफिया की। बिग माफिया ये प्रॉपर्टी है जो फिलहाल के लिए यहाँ पर ये रहता है ना, वहीं पर इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है इसकी भी, उसके साथ ही थोड़ा बहुत हिस्सा मार्टिन मद्रासों का है, उसी के साथ ही थोड़ा बहुत हिस्सा बिग माफिया अगर एक और बंदा है उसका भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। तो फिलहाल के जो काया पैर कोई मतलब हिस्सों में डिवाइडेड है, लेकिन फिलहाल के अब ये पूरा का पूरा खुद ही चाह रहा है। तो फिलहाल के इन बंदों को कोई उठवा रहा है, इनका सिग्नेचर ले रहा है, उनको छोड़ देगा। फिलहाल के और भी कोई ज़्यादा काम नहीं है। उसी के साथ ही अब बिग माफिया की बारी है। बिग माफिया ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, जैसे कि फिलहाल के कह रहा है पहले जो इसे पता था वो था नॉर्थ यंगटन, अब वो नॉर्थ यंगटन में नहीं है, इसके बंदे ने पता लगाया कि वो नॉर्थ यंगटन से कहीं दूर चला गया है। तो फिलहाल के अब हमें ढूंढना ये है कि वो बंदा है कहाँ। इसने बंदे से कॉन्टैक्ट किया, उसने बताया कि मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मेरे काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के वो काम इसने मुझे बता नहीं है, कह रहा तुम उस बंदे के पास जाओ उससे काम पूछो। तो फिलहाल के मैं उस बंदे के पास ही जाने वाला हूँ, तो देखते हैं भाई सब क्या काम है। उसी के साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर गैराज है, फिलहाल के गैराज कैसे तो या फिर स्टोर रूम कैसे इतना ज़्यादा बड़ा क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं अपनी गाड़ी, मतलब फिलहाल के जो अपनी जो गाड़ी है ना जी वैगन, वो तो फिलहाल के बैनी को देकर आ चुका हूँ। उसी के साथ ही जो इसने मुझे बाइक देने के लिए वादा किया था ना, वो इसने मुझे बाइक दे दी है। तो फिलहाल उसी बाइक को लेकर मैं जाने वाला हूँ फिलहाल के उस बंदे के पास। वो बंदा जो काम करेगा वो मुझे काम करना है, उसके बाद फिलहाल के जो कुछ होगा वो मुझे बता दे, मतलब बिग माफिया कहाँ है, उसके बाद हम बिग माफिया को पकड़ने के लिए जाएंगे और देखते हैं ये क्या होगा। और राइट गाइस, फिलहाल के मैं बाहर आ चुका हूँ, उसी के साथ जो बाइक देख रहे हो यही है मैं फिलहाल के एल रूबियो ने दी है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी इसके ऊपर बैठते हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के अब मुझे जाना है उस बंदे के पास जहाँ पर उस बंदे से मुझे काम है। तो फिलहाल के आप सोचोगे कि जो नॉर्थ यंगटन मतलब कायो पेरिको है उसमें इतने बंदों का हिस्सा कैसे है, वो मुझे नहीं पता, मैंने इसे पूछा भी नहीं। तो फिलहाल के कायो पेरिको में पहले हमें पता चला था कि जो बिग माफिया है, मैं कायो पेरिको जाने वाला था। फिलहाल के ये बंदा कह रहा है कायो पेरिको से तो वो निकल गया है, लेकिन फिलहाल के उसकी जो लोकेशन है ना वो हमें पता ही नहीं। तो फिलहाल के बंदे से इसने बात की थी, वो बता रहा था मैं बता दूंगा लेकिन काम करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उसको भी। तो फिलहाल के यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपनी बाइक को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से भगा रहा हूँ, और ये बाइक है ना इजीली 200 क्रॉस कर देती है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो फिलहाल के पास मेरे पास बैनी का भी कॉल आया था और बैनी कह रहा कि आज शोरूम से ना काफ़ी ज़्यादा बंदे गाड़ियाँ लेकर गए हैं। फिलहाल के हमारी सारी गाड़ियाँ बिक चुकी है, जो तुम्हारी गाड़ियाँ ना मैं तुम्हारे घर पर डिलीवर कर दी है। उसी के साथ ही फिलहाल के आज होने वाला एक रेसिंग टूर्नामेंट, तो फिलहाल के जो रेसिंग टूर्नामेंट है ना उसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। तो बैनी ने कहा कि जो तुम्हारी गाड़ियाँ तुम इसे लेकर जा सकते हो फिलहाल के अगर तुम चाहो तो। फिलहाल के मैं जाने वाला हूँ रेसिंग टूर्नामेंट में, उसका जो विनिंग प्राइज़ है ना वो है 5 लाख रुपये। तो फिलहाल के हमें पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, तो फिलहाल के अभी तक इसने मुझे फिलहाल के 10 करोड़ रुपये नहीं दिए, ये सारा जब काम कम्प्लीट हो जाए उसके बाद देगा। इसने जब बस बाइक का कहा था पहले बाइक दे देगा, तो फिलहाल के इसने बाइक तो दे दी है लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना पैसा भी दे देगा। तो फिलहाल के अपनी जो बाइक है ना काफ़ी ज़्यादा गजब की है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ ही इसे थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफिकेशन करवा लेंगे या फिर बैनी के पास करवा लेंगे। तो फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा उस समय आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। तो फिलहाल के यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है और मुझे धीरे चलानी पड़ेगी। उसी के साथ ही अपनी बाइक को मैं भगाते पहुँचने ही वाला हूँ उस बंदे के पास जहाँ पर मुझे उस बंदे से काम था। तो फिलहाल के जो बाइक है भाई सब काफ़ी गजब की है, मुझे यहाँ से फिलहाल के यहाँ से नहीं मुझे आगे से लेना है फिलहाल के बात के चक्कर में और रास्ता भूल गया। तो फिलहाल के यहाँ जो लेफ्ट लेना है, उसी के साथ ही अब यहाँ से मुझे राइट लेना है। तो फिलहाल के यहाँ
पर भाई साहब हटा ले। तो फिलहाल मुझे यहाँ से राइट लेना, आगे जाकर फिलहाल इस पे नहीं, आगे का आपको भाई सब टक्कर आगे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस बाइक का कुछ भी नहीं बिगड़ा, जल्दी जल्दी भगाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल ये इस पर मुझे लेफ्ट लेना है, और यहीं पर उस बंदे ने मुझे लोकेशन दी थी। तो फिलहाल के यहाँ पर ये बंदे हैं, तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं, एक बार मैं इस बंदों से बात कर लेता हूँ। सो गाइस फिलहाल में इस बंदे से बात हो चुकी है, उसी के साथ ये बंदा कह रहा है तुम नीचे जाओ, फिलहाल के तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, उसके साथ मेरे दो बंदे मिल जाएंगे, उन्हें लेकर तुम फिलहाल के लिए हम पहले भी एक जगह पर गए थे जो है लाइफ इन वेंडर, तो फिलहाल के वहीं पर जाना है। तो फिलहाल के वहाँ पर होता ये है, नॉर्मली न्यूज़ रिकॉर्ड होती है, इनसे खिलाफ कुछ न्यूज़ रिकॉर्ड है। तो फिलहाल वो कह रहा किसी भी हालत में वो उसे डिस्ट्रॉय कर दो, वरना हमारी मतलब फिलहाल के पुलिस वाले ने पकड़ ले जाएंगे, अगर वो मीडिया मतलब फिलहाल के मीडिया को बताया। लेकिन फिलहाल के अभी वो उन्होंने प्ले नहीं की, लेकिन जैसे वो प्ले कर देंगे उसके बाद इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, पुलिस वाले ने जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, उसी के साथ ये दो बंदे मेरे साथ जाएंगे। तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, कितनी ज़्यादा नहीं है। मैं पहले भी गया था, नॉर्मली मैं इजिली मतलब एक नकली लाइसेंस दिखा के अंदर घुस गया था। तो फिलहाल के मैं देख सकता हूँ भाई कितनी ज़्यादा पतली गली में इन्होंने गाड़ी फंसाई कैसे यहाँ पर। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं, उसी के साथ जो बिल्डिंग है ना इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो फिलहाल के यहाँ पर जो दो बंदे हैं ये भी इसी गैंग के हैं, तो फिलहाल के लिए ये मेरे साथ इसलिए आए हैं ताकि हम इधर उधर छेड़छाड़ ना करें, या फिर फिलहाल के हमें कोई मतलब इम्पोर्टेंट या फिर किसी की मदद चाहिए तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मदद कर दे, या फिर कोई इम्पोर्टेंट जो वर्क है अगर मैं इनसे पूछ लूँगा ये मुझे लेकर चलना या फिर नहीं, वो भी मैं इनसे पूछ लूँगा। तो फिलहाल के जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना लाइफ इन्वेंडर, तो फिलहाल के ये वही बिल्डिंग है। तो उसी के साथ ही अब जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर रोक कर देखता हूँ कि कहाँ पर मुझे जाना है। तो फिलहाल के यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पार्किंग की उस तरफ जगह है, लेकिन फिलहाल मैं इधर उधर नहीं जा सकता। तो फिलहाल के मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, और यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी बहुत जगह है, मैं यहीं पर इसे पार्क कर देता हूँ। तो फिलहाल के यहाँ पर मैंने इसे तोड़ दिया है, उसी के साथ अब जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। फिलहाल के यहाँ पर दो बंदे वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएंगे, आएंगे तो आ जाएंगे, वरना फिलहाल के मुझे डिस्ट्रॉय करके आना है उनका सारा का सारा सिस्टम। तो फिलहाल के वो डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ, उसी के साथ ही फिलहाल के लिए यहाँ पर फिलहाल के यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, उसी के जल्दी जल्दी अंदर चलते मारेगा या फिर नहीं। तो फिलहाल के भाई सब मैं अंदर घुसा गोली चलाने लगा ये ले, तो फिलहाल एक बंदा इस तरफ है, दोनों को मारे मार दे, कितनी आराम से चल रहे वो बंदे। उसी के साथ यहाँ पर बंदे ने मेरा फेस देख लिया, ये लो फिलहाल के मैंने इनको भी मार दिया है। तो फिलहाल के भाई सब काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहे हो, फिलहाल के सीसीटीवी में मारने लग रहे, सीसीटीवी सारे ब्लॉक कर दिए ताकि इनको किसी का फेस भी ना पता चले। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं, और एक गार्ड को इनको यहाँ पर निपटा दें इन बंदों ने। फिलहाल के यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बंदे ही मारते रहेंगे, हम भी मारते रहेंगे, ये सीसीटीवी का ध्यान रखेंगे। और फिलहाल के हम बंदों का यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ शायद बंदे हो सकते हैं। फिलहाल के हमारी जो गन है ना सप्रेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के यहाँ पर एक बंदा आया, तो 3-2-1 और ये लो, ओके फिलहाल के मैंने इसको बजा दिया। तो फिलहाल के उसको भाई साहब उठ गया, फिलहाल के इसको भी हेडशॉट दे देता हूँ। तो फिलहाल के ये ले इसको भी हेडशॉट, तो फिलहाल के अब ये उठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल के एक बंदा वहाँ पर है, उसको मैंने हेडशॉट दे दिया है, अब वो भी नहीं उठेगा। और बंदे हैं यहाँ पर, कोई कैमरा भी नहीं है, ओके फिलहाल के कैमरा वो बंदे खुद ब खुद देख लेंगे, वरना सारा सिस्टम ब्लास्ट कर देंगे, कैमरे की फोटेज भी तो ब्लास्ट हो ही जाएगी। तो फिलहाल के एक बंदा सामने तरफ खड़ा, उसको मैंने हेडशॉट दे दिया है। और फिलहाल के यहाँ पर कितने ज़्यादा मॉनिटर रखे हुए हैं, फिलहाल के यहाँ पर भाई सब और बंदे भी हैं। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने बजा दी है, एक और बंदा है यहाँ पर छुप कर खड़ा है, तो फिलहाल के भाग रहा है ये बंदा, फिलहाल के मैंने इसको भी मार दिया है। उसी के साथ ही कौन सा कंप्यूटर, फिलहाल के उसने मुझे कहा था एक रूम मिलेगा, उसी के साथ ही यहाँ पर इस रूम में एक आगे की तरफ रूम है, उसके अंदर चलते हैं। तो फिलहाल के अगर ज़्यादा सिक्योरिटी हुई ना तो फिलहाल के उसी को हम ब्लास्ट करके आएंगे। तो फिलहाल के एक बार अंदर चलते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सिक्योरिटी यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑफर ज़्यादा हो, यहाँ पर डोर के पीछे भी एक बंदा छुपा हुआ। तो फिलहाल के ये ले, तो इस बंदे को मैंने बजा दिया। तो फिलहाल के अभी हमारी दिक्कत नहीं, देखो और बंदे यहाँ पर, एक और फिलहाल के यहाँ पर एक और बंदा, क्योंकि भाई सभी से मुझे भरकर गोली मारी है। तो फिलहाल के मैंने यहाँ पर मरा इसको, कि फिलहाल के ये रहा सर्वर, तो फिलहाल के सर्वर को जल्दी जल्दी ब्लास्ट कर देते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, सबसे पहले गाड़ी के अंदर निकलेंगे, फिलहाल मतलब गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद ब्लास्ट करेंगे, क्योंकि ब्लास्ट ज़्यादा हुआ ना तो फिलहाल के लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर हैं सभी को मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल के किसी में फोटेज नहीं रहनी चाहिए भाई हमारी, यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगा रखे होंगे, और एक भी फोटेज यहाँ पर रही ना जिसमें फिलहाल के फेस रिवील हुआ तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी माइकल को। तो फिलहाल के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर हमने ख़राब कर दिया, देखी जाएगी अगर फोटेज अब भी मिली ना तो फिलहाल के क्या ही कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ से भागते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आ गया, और वे बंदे फिलहाल के भाई सब ये रहे, दो एक बंदा ये रहा, तो फिलहाल एक बंदा यहाँ पर मर चुका है, फिलहाल के शायद दोनों के दोनों मर चुके हैं। तो फिलहाल के भाई सब क्या ही कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बैठता हूँ, वापस उन बंदे के पास चलता हूँ, भाई सब यहाँ पर देख सकते हो ब्लास्ट हो चुका है। तो फिलहाल के वापस मैं उन बंदों के पास चलता हूँ, उसी के साथ ही जो बंदे हैं ना
पलार के उनसे मैं लोकेशन पूछूंगा, अब उसने अभी तक लोकेशन बताई नहीं। उन्होंने कहा था काम कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें लोकेशन दूंगा, तो फलाक हमने जो काम है वो कंप्लीट कर दिया है। तो फलाक अब बारी है उनसे लोकेशन पूछने की कि भाई साहब वो बंदा फलाक जो बिग माफिया है वो कहाँ पर है, क्योंकि हमें बिग माफिया से कोई लेना देने नहीं है, हमें मेनली 30 करोड़ रुपये चाहिए फलाल के, क्योंकि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा है लिबर्टी वाले फ्रेंड का, तो फलाक उसका ही कर्जा उतारना है। तो फलाल के यहाँ से मुझे राइट लेना है, उसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर बोर्ड लगाओ बच गया, वरना मैं इसे तोड़ कर आगे चला जाता। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो अपनी जो वैन है इतनी ज़्यादा बकवास चल रही है, कोई फायदा नहीं है। तो आगे से मुझे राइट लेना दोबारा से उसी गली में, हम नहीं उस गली में नहीं, आपकी वजह से इन्होंने मुझे दूसरी लोकेशन दी है, तो फिलहाल वहीं पर चलते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं फिलहाल के, यहाँ पर बंदे कहीं कहाँ पर है, यहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई कहाँ पर है। ओके फिलहाल के वो रहे बंदे, जल्दी जल्दी चलते हैं उनसे एक बार मैं बात कर लेता हूँ। सो गाइस फिलहाल मेरे से बात हो चुकी है, उसके साथ ये बिग माफिया जो लोकेशन है वो प्रिजन में बता रहे हैं, पता नहीं ऐसा प्रिजन में बंदा गया कैसे। तो फिलहाल के वो लॉस सैंटोस के ही प्रिजन में है, उसी के साथ ही फिलहाल के अपनी गाड़ी को जल्दी जल्दी घुमाते हैं और उसी लोकेशन चलते हैं जहाँ पर हमारी बाइक खड़ी है। तो फिलहाल के मैं एलरूबियो पास जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने घर पर जाऊँगा रेस करने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम एलरूबियो के पास। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो भाई सब हटा ले, तो भाई साहब बंदे हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे। फिलहाल जो वैन है ना, मैं उसे जल्दी जल्दी ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसी के साथ अपनी बाइक को भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल को लोकेशन मुझे परफेक्ट तरीके से या तो नहीं है, लेकिन फिलहाल को मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी भगाना पड़ेगा। उसी के साथ ही भाई साहब मैं किस तरफ आ गया, तो फिलहाल के यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी गवाही मतलब जो वैन है ना इसको भगाते हैं और चलते उस लोकेशन पर जहाँ पर हमने बाइक खड़ी करी थी। तो फिलहाल के वो लोकेशन आने ही वाली है, तो फिलहाल के यहाँ से मुझे जल्दी जल्दी लेफ्ट लेना है और जो पतली गली है ना वो फिलहाल के वो आ चुकी है, उसके अंदर ही मैं इस गाड़ी को ले जाकर पार्क कर दूंगा। तो फिलहाल के यहाँ भाई सब यही है, तो फिलहाल के से यहीं पर रहने तो अपनी बाइक लेकर आते हैं। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा पतला रास्ता है और यहाँ पर बंदे वैन लेकर खड़े थे। तो फिलहाल मैं आया किस तरफ से था, तो फिलहाल के मैं उस तरफ से आया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो डोर बंद है भाई, यहाँ से आया था मैं या कहीं और से आया था, तो फिलहाल के मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल के लिए भाई साहब मैं कहाँ से आया था। ओके फिलहाल के मुझे लगता है मैं यहाँ से फिलहाल के यहाँ पर जो वैन खड़ी थी और यहाँ पतले रास्ते से मैं निकल गया था, शायद वो पीछे ही तरफ है ना कोई रास्ता। ओके फिलहाल के मुझे याद आ गया यहाँ पर एक रास्ता है, तो फिलहाल के मुझे परफेक्ट तरीके से याद नहीं था, लेकिन अब मुझे याद आ गया। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी यहाँ से भागते हैं, उसी के साथ ही फिलहाल के आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी हुई है, तो जल्दी जल्दी इसके अंदर बैठते हैं। तो फिलहाल यहाँ से मैंने घुमा ली है और फिलहाल के एक बार मैं हेलमेट लगा लेता हूँ, वरना भाई साहब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल के यहाँ से मैं हेलमेट लगा लिया है और वो बंदे फिलहाल के अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं, तो पता नहीं किसी और बंदे वेट कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के अब मैं जाने वाला अपने घर पर और वहीं पर मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो फिलहाल के जो बंदा है ना फिलहाल के बैनी पास आया था, एक बंदा लैम्बोर्गिनी सियान लेकर चला गया, उसने ये बताया फिलहाल के बैनी को कि यहाँ पर एक रेस होने वाली है, वहीं पर मैं जाने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी सियान लेकर। तो फिलहाल के अगर मैं भी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर जाऊँगा काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो फिलहाल के मतलब टक्कर की होगी। तो फिलहाल के जो दूसरी वाली गाड़ी है ना हमारे पास उसे लेकर जाएंगे। तो फिलहाल के अपना जो घर आ गए मैं यहीं से नहीं जाने वाला हूँ, मैं फिलहाल के अपने दूसरे वाले डोर से जाने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मुझे ये देखना भाई साहब मैं आगे आ गया, मुझे ये देखना शायद पीछे की तरफ मेरी गाड़ी खड़ी है या फिर आगे की तरफ खड़ी है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं और ये डोर ओपन होगा, फिलहाल यहाँ पर डोर ओपन हो चुका है, इससे हम अपनी गाड़ी को लेकर अंदर चलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखना पीछे की तरफ गाड़ी खड़ी है या फिर आगे की तरफ गाड़ी खड़ी है। तो फिलहाल के यहाँ पर तो पीछे की तरफ तो मुझे गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, तो फिलहाल के हमारी गाड़ी खड़ी का फिलहाल के मुझे लगता है शायद आगे की तरफ है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी दोबारा से अपनी बाइक के ऊपर बैठते हैं, उसी के साथ इस बाइक को भी मैं वहीं पर ले जाकर पार्क करने वाला हूँ जहाँ पर हमारी और गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो फिलहाल के बैनी ने सारी दी कि सारी गाड़ी आगे ले जाकर पार्क कर दो, फिलहाल के मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो जी वैगन वो मैं नहीं लेकर जाऊँगा, तो फिलहाल के यहाँ पर जो दूसरी मतलब गाड़ी है ना ये फिलहाल के मैं इसे लेकर जाऊँगा। तो फिलहाल के यहाँ पर जो ट्रोन बाइक को मुझे साइड करना पड़ेगा, तो फिलहाल के वरना ये गाड़ी निकलेगी नहीं। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी ट्रोन बाइक पर बैठते हैं, उस ट्रोन बाइक को ले जाकर एक बार मैं साइड खड़ा कर देता हूँ। तो फिलहाल के साइड का मैं जी वैगन के पीछे ही खड़ा कर देता हूँ, तो फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा जगह है जी वैगन के। ओके फिलहाल के मैं यहीं पर पार्क करता हूँ, उसके साथ ही जल्दी जल्दी अपनी इस गाड़ी में चलकर बैठते हैं। तो फिलहाल के मैं इस गाड़ी में चलकर बैठ चुका हूँ, उसी के साथ अब इस गाड़ी को लेकर चलते हैं रेस में। फिलहाल के मैं वहाँ पर जो पर रेस होने वाली है वहीं पर चलता हूँ, उसी के साथ ये डोर ओपन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर डोर ओपन हो चुका है, उसके साथ आप सोच रहे होंगे कि फिलहाल के अगर हम रेस में जाएंगे ना तो फिलहाल के फ्री रेस होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल के हमें सबसे पहले 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद रेस स्टार्ट होगी, जो बंदा फर्स्ट आएगा उसे 5 लाख रुपये दे दिए जाएंगे, बाकी को कोई भी प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल के हमें फर्स्ट आना है, अगर हम और कोई पोजीशन आई ना तो फिलहाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारा रेस में पार्टिसिपेट करने का हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिलहाल के जो गाड़ी है ना ये काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर रखी है बैनी ने, बैनी कह रहा है ये गाड़ी ले जाओगे ना तुम इजीली जीत जाओगे, काफ़ी ज़्यादा
मैंने इसे फास्ट कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। तुम इसे लेकर जाओ और फिलहाल के जो रेस होने वाली है गाँव की तरफ होने वाले हैं, मतलब यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि गाँव में फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब इजिली ट्रैफिक को स्टॉप किया जा सकता है। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी चलते हैं। उसी के साथ मेरे पास अभी फिलहाल के 50,000 रुपये हैं, उसके साथ अपने गाड़ी भी फिलहाल के ये भी रेस में जाएगी क्या नहीं, फिलहाल के दूसरी तरफ जा रही है या फिर पता नहीं दूसरी तरफ से आएगी, मुझे नहीं पता है बंदा रेस में जा रहा है या फिर कहाँ। काफ़ी ज़बरदस्त मतलब गाड़ी थी उसके साथ जो हमारी गाड़ी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो फिलहाल के लिए पता नहीं ये लैम्बोर्गिनी सियान को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। तो फिलहाल के चलने में एकदम मस्त है और इसमें थोड़ी स्पीड देता हूँ तो फिलहाल के यहाँ पर इजिली 100 क्रॉस कर देती है। तो फिलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा इसे धीरे चलाना पड़ेगा और रेस में ना फिलहाल इसे थोड़ा बहुत मुझे कंट्रोल पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके कंट्रोल एकदम ठीक है लेकिन फिलहाल के मुझे अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी चलते हैं। उसी के साथ ही यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब यहाँ पर बंदा हटा ले मेरी गाड़ी ठुक जाएगी। तो फिलहाल के आप देख सकते हो इजीली यहाँ पर हमारी गाड़ी भगाने का टाइम आ चुका है यहाँ पर 200 और फिलहाल मुझे धीरे करनी पड़ेगी। आगे तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी तो फिलहाल इसलिए मुझे धीरे कर ली वरना यहाँ पर गाड़ी ठुक जाती है। और फिलहाल के यहाँ पर जल्दी जल्दी घुमाते हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के जो गाड़ी है हमारे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो फिलहाल अगर हम लैम्बोर्गिनी सियान लेकर आते ना वो और भी ज़्यादा फास्ट थी लेकिन फिलहाल उसे मुझे पहले चलाना सीखना पड़ेगा। कंट्रोल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है मुझे लैम्बोर्गिनी सियान चलाने में, तो उसे मैं चलाना सीखूंगा धीरे धीरे। फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो कितने ज़्यादा टर्न है। उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर थोड़ा बहुत पहाड़ी एरिया है लेकिन फिलहाल के हमें गांव वाले साइड में जाना। और ये बंदा भाई सब पागल है किस तरफ चला रहा है इसको खुद भी नहीं पता होगा। तो फिलहाल एकदम से पूरा का पूरा इसे घुमा लिया और जिसको ब्रेक थे एकदम इसे मैंने अप्लाई किया तो पूरा का पूरा इसे टर्न दे लिया। उसी के साथ जल्दी जल्दी भगाते हैं और चलते हैं जहाँ पर रेस हो रही है। सो गाइस फिलहाल मैंने अभी अभी एल रूबियो को कॉल करके बता दिया कि जो बिग माफिया है वो फिलहाल के प्रिजन में, वो क्यों है वो मुझे नहीं पता लेकिन फिलहाल के उन बंदों ने मुझे यही बताया कि वो बंदा अभी तक मतलब प्रिजन में है। उसी के साथ ही वो फिलहाल के खुद ब खुद प्रिजन में गए इतना मुझे पक्का श्योर है क्योंकि जो कर्नल है ना उससे उसकी बातचीत है। तो फिलहाल के वो कर्नल तो पकड़ के डालेगा नहीं लेकिन फिलहाल के वो खुद ब खुद गए हैं, पता नहीं उसका क्या रीज़न है। शायद उनके अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है लेकिन फिलहाल के प्रिजन की सिक्योरिटी पर भरोसा हो तो प्रिजन में इजीली वो रह सकता है मतलब थोड़े दो दिनों तक ताकि किसी को हमला करना कोई हमला करना कर सके अटैक ना कर सके इसलिए। तो फिलहाल के अपनी गाड़ी को ना लेकर मैं भगाते भगाते आ चुका हूँ गाँव की तरफ। उसी के साथ जो रेस होने वाली है ना वो यहीं पर होने वाली है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर जल्दी जल्दी भगाते हैं। उससे पहले मुझे नाम लिखवाना पड़ेगा, 50,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, उसके बाद हमारी रेस स्टार्ट होगी। तो फिलहाल के जल्दी जल्दी भगाते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के आप देख सकते हो मुझे यहाँ से टर्न देना है और सामने तरफ वो बैनर दिख चुका होगा। तो फिलहाल के यहीं पर हमारी रेस होने वाली है। उसी के साथ ही यहाँ से बाहर तो कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही क्योंकि फिलहाल के उस तरफ गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर बंदे काफ़ी ज़्यादा। इसमें जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी गाड़ी को ले जाकर मैं यहाँ पर खड़ी नहीं कर सकता, पीछे की तरफ खड़ी कर देता जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है। उसी के साथ ही फिलहाल अपनी गाड़ी देख से काफ़ी स्क्रैचेज आ चुके हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के जल्दी जल्दी उतरते हैं और वहाँ पर एक बंदा शायद वहाँ पर फिलहाल के मैंने जैसा देखा था एक बंदा यहाँ पर नाम लिख रहा है और फिलहाल के पैसे जमा कर रहा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, इसको अपना नाम लिखवा देते हैं, उसके साथ ही उसको पैसे भी जमा करके दे देते हैं। और राइट गाइस फिलहाल मैंने नाम लिखवा लिया और रेस स्टार्ट होने में 5 मिनट रहते हैं, बंदा कह रहा है एकदम ठीक टाइम पर आए वरना तुम्हारी रेस मिस हो जाती। फिलहाल मैंने पैसे भी जमा करवा देते हैं, मिलते हैं रेस में। और राइट गाइस फिलहाल यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है तो फिलहाल के अपनी गाड़ी को भगाने का टाइम आ चुका है। तो फिलहाल के अब यहाँ पर मतलब देखते कितने टाइम लगता है। फिलहाल यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है, 3, 2, 1 और लेट्स गो। के फिलहाल के यहाँ पर गाड़ी भगा ली, काफ़ी ज़्यादा गजब के बंदे आए हुए हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर मैं इनको टक्कर मारता हूँ, इजीली चला जाऊँगा। फिलहाल के यहाँ पर जेनेट्रोनो लेके आया ये बंदा, फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा गजब की गाड़ी है। फिलहाल के हमने लिबर्टी सिटी से मंगवाई थी अपने शोरूम के लिए, शायद ये बंदा भी वहीं से लेकर आया होगा। उसी के साथ जो लैम्बोर्गिनी वाला बंदा ना वो देख सकते कितने ज़्यादा फास्ट है, मैं 260 पे चला रहा हूँ, बंदा मतलब कम से कम 300 पे चला रहा होगा। तो फिलहाल के आप देख सकते कितने ज़्यादा फास्ट है, उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलानी आती है, आज ही लेकर आया है। और फिलहाल के हमारे पास कितने पहले से लैम्बोर्गिनी थी, फिलहाल के अभी तक हमें प्रॉपर तरीके से चलानी नहीं आई। तो फिलहाल के यहाँ पर जल्दी जल्दी भगाते हैं। उसी के साथ आप देख सकते हो हमारी गाड़ी चलती हुई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। उसी के साथ फिलहाल के यहाँ पर एक मतलब दो बंदे हमसे आगे हैं, तो फिलहाल के यहाँ पर एक ही बंदा आ गया है। फिलहाल के यही बंदा है लैम्बोर्गिनी सियान वाला, फिलहाल के पीछे रह चुका है। उसके साथ अब भगाने की बारी आ चुका है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे रहूँगा ना तो फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला, मैं इनको टक्कर देने के चक्कर में पीछे रहने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं एक बार आगे निकल गया तो मैं फिलहाल के आगे निकल गया, मैं दोबारा से पीछे नहीं आऊँगा।
ये बंदे फिलहाल के अगर थोड़ा भाई समय थोड़ा बहुत भी ढीला पड़ा ना, ये बंदे इजिली निकल जाएंगे। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हो अभी तो कोई भी हमारी टक्कर का नहीं है, सभी के सभी पीछे और फिलहाल के बंदे आ चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी भगाता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था। उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी गाड़ी आगे से ठुक चुकी है और थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है और एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। तो फिलहाल के यहाँ पर जल्दी जल्दी टर्न देना मुझे यहाँ से, फिलहाल के यहाँ पर जल्दी जल्दी यहाँ से भगा ले। तो एक बंदा मेरे काफ़ी ज़्यादा पीछे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल के वो रहा फिलहाल के लैम्बोर्गिनी वाला है और इसने अगर एक बार पूरा की पूरी रेस दे दी ना एकदम से आगे निकलेगा। फिलहाल के यहाँ से टर्न है, मुझे थोड़ा धीरे करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के मैं यहाँ से धीरे कर लेता हूँ। उसी के साथ जो लैम्बोर्गिनी वाला बंदा एकदम से भाई साहब पीछे लगा हुआ है, एक लैप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बारी सेकंड लैप की, दो ही लैप होने वाले हैं और फिलहाल के भाई साहब जल्दी जल्दी भगाते हैं। और रेस स्टार्ट होने से सिर्फ एक मिनट पहले मैं बताया गया था कि दो लैप होने वाले हैं, फिलहाल के हम सोच रहे हैं तीन चार तो होंगी लेकिन फिलहाल के दो ही होने वाले, क्या ही बता सकते हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ पर भाई साहब की गाड़ी ठुक गई। तो फिलहाल के मैं पीछे वाले लैम्बोर्गिनी साल वाले बंदे को देख रहा था, भाई साहब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा फास्ट भगाता हुआ चला गया। उससे फिलहाल के एक मौका ही चाहिए था आगे निकलने का। तो फिलहाल के अब हमारी गाड़ी है ना 160 पर चली, 150 पर, 160, 170, 180 और 190 इसलिए हमने क्रॉस कर लिया। और यहाँ पर जेनेट्रोनो वाला बंदा आ चुका है, इसे मैं जल्दी जल्दी टक्कर मारूँ या फिर वैसे छोड़ दूँ? अगर टक्कर मारूँ टाइम वेस्ट होगा, तो फिलहाल मैंने वैसे ही छोड़ दिया। लैम्बोर्गिनी को पीछे छोड़ते हैं और फिलहाल के यहाँ से घुमाते हैं। फिलहाल के लैम्बोर्गिनी सियान को मैंने पीछे छोड़ दिया है और फिलहाल अब मैं पूरी स्पीड से भगाने वाला हूँ, अब मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। तो फिलहाल ये लास्ट लैप है, इसलिए मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, क्योंकि फिलहाल अगर कोई मेरा बंदा 1% भी थोड़ा बहुत भी आगे रहेगा ना तो 50 लाख, मतलब 5 लाख वैसे चले जाएंगे, 50,000 देना है, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो फिलहाल के यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल के अपनी गाड़ी फुल स्पीड में है, उसी के साथ 180 इजली क्रॉस कर दे। यहाँ से मुझे टर्न देना है तो फिलहाल के मुझे थोड़ी सी धीरे करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के भाई साहब यहाँ से घुमाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिलहाल के हमारे पीछे कोई भी नहीं है और यहाँ पर घूमी गलती, तो फिलहाल के कोई दिक्कत नहीं है, हम इजली चले जाएंगे। फिलहाल अगर पैसों की दिक्कत, मतलब पैसों के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते ना, पैसों की दिक्कत ना होती तो फिलहाल के यहाँ से मुझे इजीली घुमाना है। अगर ना होती तो मैं इनका टक्कर देता हुआ ज़्यादा, वरना यहाँ पर 200 लैम्बोर्गिनी चार वाला एकदम पीछे है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भगानी पड़ेगी। ओके फिलहाल के यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, उसी के साथ जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। उसी के साथ ही फिलहाल के यहाँ का जो प्राइज मनी है ना वो हमें मिल जाएगा, इन्होंने मेरा अकाउंट नंबर ले लिया था, फिलहाल के उससे मेरे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी की हालत क्या हो चुकी है। उसी के साथ आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। और रेस ख़त्म होते उसके 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे पास पैसे पहुँच जाएंगे और फिलहाल के अब जाने वाले हम एलरूबे पास। एलरूबे से मिलने के बाद फिलहाल के डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो फिलहाल के अपनी गाड़ी को फिलहाल के मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिए मैं यहाँ पर रोकने वाला हूँ। तो फिलहाल के मुझे नहीं लगता मैं इतनी ज़्यादा दूर तक ड्राइव कर पाऊँगा, तो फिलहाल की काफ़ी थक चुका हूँ। उसी के साथ ही फिलहाल के नीचे लेकर चलते यहीं पर खड़ी करते हैं। उसी के साथ ही फिलहाल के आपको क्या लगता है, हमें प्रिजन में जाना चाहिए या फिर नहीं? अगर वो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लेना और कमेंट करके जरूर बता रखो आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल के नई नई रेसेस में हम पार्टिसिपेट करते रहेंगे क्योंकि फिलहाल के काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल रहा है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जिससे हम रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के कमेंट करके हम बिल्कुल भी मत भूलना। उसी के साथ अगर पिछले एपिसोड नहीं देखा वो भी जाकर देख लेना। तो आज भी इतना ही, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।